अस्सलामुअलैकुम सेलेक्ट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज आपका इंग्लिश का 26 लेक्चर है। आप अपनी इंग्लिश की रीडिंग बुक निकालें और उसका फर्स्ट पेज ओपन करें। जी मदर, आपने बच्चे को फर्स्ट पेज ओपन करके दे दिया। जैसे कि आपको पता है कि हमारी रीडिंग ए टू एम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगेन इनकी रिविजन कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो लेटर्स पढ़ चुके हैं हम उनको अगेन एक दफ़ा रिवाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट जो है जो रीडिंग वो नेक्स्ट लेटर्स की वो बच्चे से करवाएंगे। तो आप कोशिश करें कि रिवीजन में बच्चे अच्छी तरीके से रिवीजन करें, उनको अच्छी तरीके से रीडिंग याद हो, साथ साथ लेटर्स की पहचान भी हो। चले बच्चों, अब आप मुझे साथ साथ सुनाना स्टार्ट करें। विच इज दिस लेटर? ए। विच इज दिस लेटर? ए। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। विच इज दिस लेटर? बी। बी फॉर बैग। फिर बताएं, बी फॉर बैग। विच इज दिस लेटर? सी। सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। विच इज दिस लेटर? डी। डी फॉर डॉल। फिर से बताओ, डी फॉर डॉल। विच इज दिस लेटर? ई। ई फॉर एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट। विच इज दिस लेटर? एफ। एफ फॉर फिश। एफ फॉर फिश। विच इज दिस लेटर? जी। जी फॉर ग्रेप्स। जी फॉर ग्रेप्स। विच इज दिस लेटर? एच। एच फॉर हैं। एच फॉर हैं। विच इज दिस लेटर? आई। आई फॉर आइसक्रीम। आई फॉर आइसक्रीम। विच इज दिस लेटर? जे। जे फॉर जैकेट। जे फॉर जैकेट। विच इज दिस लेटर? के। के फॉर कैटल। के फॉर कैटल। विच इज दिस लेटर? एल। आज हम के टू एम तक करेंगे ना, तो अब वो लेटर्स हम कर रहे हैं जो आज हमने जिनको रीड करना है। और ये कौन सा लेटर है? एल। एल फॉर लायन। एल फॉर लायन। और ये कौन सा लेटर है जिसकी ये थ्री लेग्स हैं? यस, एम। एम फॉर मैंगो। एम फॉर मैंगो। के फॉर कैटल। के फॉर कैटल। एल फॉर लायन। एल फॉर लायन। एम फॉर मैंगो। एम फॉर मैंगो। समझ में आ गई रीडिंग? वेरी गुड। अब आप मम्मा के पास बैठकर बार बार इसको रिवाइज करो ताकि आपको अच्छी तरीके से रीडिंग आ जाए। टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।